सिर्फ एक हस्ती हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे अल्लाह ने पूछा आप आना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, सिर्फ उनको ये एक इजाफी एजाज इकराम इज्जत कि मेरे हबीब से पूछो। मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि एक तो पूछ के अंदर जाना है, बगैर पूछे नहीं जाना, और एक इजाजत लेकर लाना है, बिन इजाजत नहीं लाना। तो मलकुल मौत ने हाजिर होकर ये अर्ज की, पहले जिब्रील अंदर आए 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी, 7 जून 633 ईस्वी और 10 से 12 के दरमियान का टाइम अंदाजा। तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह बाहर मलकुल मौत हाजिर है, अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। आपने कोई रुकावट नहीं, आ जाए। तो उसने आकर आपको सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर कहने लगा आप पहली हस्ती हैं जिनको सलाम कर रहा हूं, आज तक किसी को सलाम नहीं किया। फिर उसने कहा आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। आप पहली शख्सियत हैं, अल्लाह ने फरमाया आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। इसलिए अब जो आप फैसला करेंगे मैं उसे पूरा करूंगा। तो आपने फरमाया अगर मैं कह दूं तो मेरी जान भी निकालोगे? कहां जी, आपकी भी निकालूंगा। तो इस पर आपने जिब्रील को देखा आंखों से ऐसे, क्या करूं, जाऊं कि रह जाऊं? तो उस पर जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में, आगे आपकी मर्जी। तो इस पर आपने कहा कि पहले वापस जाकर ऊपर जाओ, अल्लाह से पूछ के आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा मैं फिर जवाब दूंगा कि मैं जाऊं या रहूं। ये सवाल अगर मेरे नबी ना उठाते तो शायद आज हम इंसानी शक्ल में मौजूद ना होते, कुछ ऐसे ही बंदर बिल्ले ही फिर रहे होते। जो कुछ इस उम्मत ने कर दिया है पहली उम्मतों से बहुत आगे का कर दिया है, बीच में ये रुकावट आ जाती। तो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया कि हम आपकी उम्मत को आपके बाद तनहा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर आपने कहा अल आना करत ऐनी।